मतलब गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। मतलब ये पुरातत्व विभाग भी है, वहाँ भी बहुत कुछ प्राचीन है, अपना सबसे शेखावाटी का एक मतलब पर्यटन स्थल है ये, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी डिमांड नहीं है। हर दिन हादसे हो रहे, अभी 5-7 दिन पहले यहाँ 2 लड़के एक लड़की गिरी थी हादसे में, शिखर जाते जाते वो घायल होगी, जयपुर रेफर करना पड़ा। अगर हमारे यहाँ गाँव में PHC अगर अस्पताल होता था, यहाँ पे इलाज मिल जाता उनको। तो आज संडे है तो इतनी गाड़ी आई है, मतलब लमसम 50 गाड़ी आई है, तो भी इस तरह ऐसा हाल है। अगर ज़्यादा गाड़ी आ जाए तो यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऊपर संसाधन होने के बावजूद भी गवर्नमेंट यहाँ की व्यवस्था कर नहीं रही है। पर्यटक स्थल बढ़िया राजस्थान का, लोग घूमने आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, घूमने फिर भी 10-15 मिनट निकलना पड़ता है, क्यों तो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क ने किसी को कॉल करना है और बिछड़ जाए तो भी कोई व्यवस्था नहीं है, 2-2 घंटे इधर उधर घूमना पड़ता है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और विश्राम कर छोड़ो, यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है नहीं कि जिससे 1 घंटा कोई रुकना चाहे रुक सके, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है। डिवाइडर वगैरह लगा है पहाड़ियों के बीच में, अगर गिर गया तो सीधा वो डेथ ही है उसकी। तो कोई जो हमारा एक पर्यटन की दृष्टि से हर्ष पंचायत है, वहाँ पर सीकर और सीकर से बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पर भी एक, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते, तो वहाँ पर एक्सीडेंट भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वहाँ पर भी एक PHC की घोषणा की जाए। बंदरों की संख्या बहुत घट गई है यहाँ, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बंदरों के लिए एक निश्चित स्थान बनाया जाए, वहाँ पर डाले तो कम से कम यहाँ के लोकल लोग, उनकी बकरियाँ भी मरती है यहाँ पर, अगर वो खाने पर मीठा खाने पर वो बकरियाँ मर जाती है, इतने जो गरीब आदमी बेचारा बकरी चराता भेड़ चराता वो खा के वो मर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुल्तान, आप देख रहे हैं Times TV 24। अभी मैं हर्ष पर्वत जहाँ से इसकी चढ़ाई होती है वहाँ उस पॉइंट पे खड़ा हूँ। हाल ही जो बजट पास हुआ, उस खाटू श्याम जी को 100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, लेकिन बात की जाए तो हर्ष में यहाँ पे काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घूमने वाले लोग लगातार यहाँ आते हैं। हर्ष पे मंदिर भी है और एक पर्यटक स्थल की तरह से भी हर्ष काफ़ी अच्छा पॉइंट है, लगातार लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस बजट में देखा जाए तो हर्ष को कुछ भी नहीं मिला। हाल ही में जो यहाँ धोधिये विधायक गोवर्धन वर्मा जी हैं, उन्होंने ज़रूर मुद्दा उठाया कि यहाँ पे PHC मिलनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई पिछले 10 साल में देखा जाए तो कोई विशेष व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से इसको डेवलप करने के लिए नहीं की गई है। कुछ सालों के बाद में एक रोड ज़रूर बनी है, एक जो आप देख रहे हैं काफ़ी सालों के बाद में रोड बनी है। यहाँ बोर्ड देख रहे हैं, जीन माता जी के मंदिर पास में है, हर्षनाथ जी का ऊपर मंदिर है, और देखा जाए तो इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हिसाब से भी ये पॉइंट है। यहाँ पे काफ़ी पुराना ये मंदिर है, जहाँ पे ये पूरा आप बोर्ड लग रहे हैं, ऊपर जाके देखेंगे तो बहुत अच्छी जगह है। और देखा जाए तो शेखावाटी में एक तरह का शेखावाटी का माउंट आबू है, और शिक्षा नगरी सीकर की बात की जाए तो यहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो एक दिन घूमने फिरने के लिए, अगर वो मानसिक अपना तनाव दूर करने के लिए यहाँ आए तो यहाँ पे भी एक अच्छी पॉइंट रहा, लोगों के बैठने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, वहाँ पे देखा जाए तो कोई खास विशेषता नहीं है यहाँ पे। हाल ही जो बजट पेश हुआ है उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी हुई है, और राजस्थान के जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं केंद्र में। लेकिन आज बात करें सीकर की, तो सीकर का जो है हर्ष पर्वतपुरी शेखावटी के लिए एक, वैसे यूँ कहा जाए तो शेखावटी का माउंट आबू है, लेकिन आज ऊपर आके आप देखेंगे तो यहाँ की व्यवस्थाएँ आपको यहाँ बजट के हिसाब से या सरकार के हिसाब से कोई खास व्यवस्था यहाँ पे नज़र नहीं आती। देखा जाए तो बारिश का समय है, अभी संडे का है, तो आज इतनी सारी यहाँ पे ज़बरदस्त पब्लिक है, लोग यहाँ काफ़ी घूमने आते हैं दूर दूर से। अभी एक बाइकर्स का पूरा ग्रुप गया है तो जयपुर से यहाँ घूमने आया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख के बोला कि यहाँ जो पिछले 10 साल पहले था आज भी वैसी की वैसी स्थिति है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती। आप पूरा हर्ष घूम के आए हो, कहाँ से आप? हम बीकानेर से हैं। बीकानेर से तो अभी पूरा आप हर्ष जाके, कैसी व्यवस्था लगी आपको? व्यवस्था मतलब अच्छी नहीं है, इसमें पार्किंग मतलब पार्किंग व्यवस्था नहीं है, ज़्यादा पार्किंग वगैरह की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, जिससे पब्लिक परेशान होती है यहाँ पे। मतलब आज संडे है तो इतनी गाड़ी आई है, मतलब लमसम 50 गाड़ी आई है, तो भी इस तरह ऐसा हाल है। अगर ज़्यादा गाड़ी आ जाए तो यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऊपर खराब व्यवस्था है यहाँ पर। मतलब अच्छी जगह होने के बावजूद भी यहाँ पर व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार चाहे तो यहाँ बहुत कुछ कर सकती है। सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है। एक यहाँ पे रुकने की बैठने की कोई भी टिंट सेट इस टाइप का यहाँ पे नहीं है कि बैठ नहीं नहीं पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, टिंट सेट बीच में व्यवस्था कम है थोड़ी, गर्मी के मौसम में थोड़े बहुत पंखा वगैरह थोड़ी हवा के लिए व्यवस्था होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं?
ऊपर आने के बाद नेटवर्क नहीं रहता किसी भी मोबाइल में, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब जो बंदा आधी घंटा रुकना चाहे वो 10 मिनट में यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि फ़ोन लग ही नहीं रहा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। भाई साहब क्या नाम होगा? मेरा नाम मुकेश गुजर है साहब। कहाँ के रहने वाले? मैं आत्री के गाँव का रहने वाला हूँ। मतलब अभी ये जो लोग आ रहे हैं ये आप साथ में क्या? हाँ, हमारे गाँव के यहाँ सावणी आती है, हर सावण को आती है सावणी। तो आपके साथ में ही यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, पूरा गांव का समस्त ग्रामवासी आते हैं आंतरी के सुहामणी करने। हाँ, सुहामणी आते हैं। अब आप बताओ कितने सालों से आप हर्ष पे, जब देखा जाए तो आप बचपन से हर्ष? हाँ बिल्कुल, यहीं आते हैं, सुबह जॉगिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर हादसे होते रहते हैं। पीएसए की मांग कर रखी है गवर्नमेंट से, अभी तक कोई सुविधा नहीं है, नहीं ऊपर कोई कैंटीन है, नहीं कोई पानी की व्यवस्था है। मतलब गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। मतलब ये पुरातत्व विभाग भी है, वहाँ भी बहुत कुछ प्राचीन है, अपना सबसे शेखावाटी का एक मतलब पर्यटक स्थल है ये, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी डिमांड नहीं है। हर दिन हादसे हो रहे, अभी 5-7 दिन पहले यहाँ 2 लड़के 1 लड़की गिरी थी हादसे में, शिकर जाते जाते वो घायल होगी, जयपुर रेफर करना पड़ा। अगर हमारे यहाँ गांव में पीएससी अगर अस्पताल होता था यहाँ पर इलाज मिल जाता उनको, तो हादसे ज़्यादा होते रहते हैं बिल्कुल ही। तो हम तो यही सरकार से विनती करते हैं कि यहाँ एक तो हॉस्पिटल पीएससी की मांग कर रहे हैं, एक यहाँ ऊपर कैंटीन नहीं है, ये पानी की सुविधा करी जाए, छाँव की करी जाए, और इसको डेवलपमेंट को आगे। आप जैसे बात कर रहे हैं, आप गांव के लोग आए काफ़ी सुहामणी के लिए, तो ऐसी कोई वहाँ जगह है कि जहाँ साँव में बैठ के लोग सुहामणी करें? कुछ नहीं है, सारा काम है साँव, ये विश्राम स्थल है वहाँ, एक वो है अपना, लेकिन बनाने के लिए सुविधा नहीं है यहाँ गवर्नमेंट, कुछ मतलब कुछ सुविधा कुछ नहीं दे रखी है। और यहाँ सुविधा के नाम से पार्किंग का भी लेते हैं, वसूल करते हैं, यहाँ पर रसीद भी कटाते हैं, अब पता नहीं उस पैसे का क्या करते हैं क्या नहीं, वो हमें पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पर्यावरण मंत्री है वो भी कुछ ध्यान नहीं देता, वन कर्मचारी उनको भी हम कहते हैं वो भी कुछ इतना ध्यान नहीं देते हैं यहाँ। बार बार शिकायत, आप तो डिमांड तो बार बार कर रहे हैं बार बार। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो बंदरों को ये मीठा हैं, जो भी मीठा खिलाते हैं, इससे क्या इनको बीमारी हो रही है, बंदरों की संख्या बहुत घट गई है यहाँ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बंदरों के लिए एक निश्चित स्थान बनाया जाए, वहाँ पर डाले तो कम से कम यहाँ के लोकल लोग, उनकी बकरियाँ भी मरती है यहाँ पर, अगर वो खाने पर मीठा खाने पर वो बकरियाँ मर जाती है, इतने जो गरीब आदमी बेचारा बकरी चराता भेड़ चराता वो खा के वो मर जाती है। नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कुछ व्यवस्था आपको, जैसे अभी खूब सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ट्रैफिक के लिए व्यवस्था वैसा कुछ प्रशासन की तरफ? कुछ नहीं है, बस केवल वो जीण माता के जो कर्मचारी पुलिस कर्मी लगते हैं, शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो रोकते हैं रात को। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ परमानेंट अगर चौकी यहाँ ऊपर हो जाए ना, तो कम से कम बदमाशी भी कम होती है। यहाँ बहन बेटी है रात को नहीं आ सकते, लेट हो गया तो फिर यहाँ बदमाशी ज़्यादा होती है। तो मैं तो प्रशासन से यही करता हूँ कि यहाँ स्थायी एक पुलिस चौकी बनाई जाए। पिछले 10 साल में जो आप देख रहे हैं यहाँ, क्या कुछ बदलाव कुछ सरकार की तरफ से कोई खोज व्यवस्था हुई है? व्यवस्था मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, केवल जो वन विभाग है इसने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया है, और बाकी वन विभाग चाहती है तो सब कुछ हो सकता है यहाँ। अपना देखो आसपास में कहीं नहीं, यहाँ पवन चक्की भी लग रखी है, सुविधा पर्यटक दृष्टि से मेरे हिसाब से हमारे आसपास के गाँव को सबको रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ कैंटीन नहीं है, इतने दूर से लोग चलते हैं, प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं है मंदिर में। अगर यहाँ कैंटीन खुल जाए, या गाँव वासी से या समिति से या गवर्नमेंट जो भी कैसे भी खोले, यहाँ अगर सुविधा होनी चाहिए, यहाँ जो पर्यटक स्थल आते हैं सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। अरे यहाँ पे देख रहे हैं बंदर बैठे काफ़ी, इस वक्त यहाँ पे एक अजीब तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी संख्या यहाँ से अब देख रहे हैं, जितना ये खाना खा रहे हैं मीठा कुछ खा रहे, एक बीमारी फैल रखी है, उसकी वजह से आसपास जो बकरियाँ हैं और भी लोग हैं उनके ज़्यादातर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ डाल के जा रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह पूरे आप देखेंगे तो एक कोई निश्चित पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये इनको खिला सकें। अब यहाँ पर देख रहे बंदर हैं लेकिन बैठे हैं, लेकिन वो एक अब दूर से आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनको एक अलग प्रकार की एक बीमारी हो रखी है। तो हर्ष पे आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, काफ़ी सारे लोग जगह जगह से अभी मेरे को यहाँ पे मिले गए, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जोधपुर से हैं, अलग अलग बीकानेर से भी लोग आए हुए, काफ़ी हर डिस्ट्रिक्ट से लोग पर डे यहाँ पे जगह आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक उचित व्यवस्था नहीं होने की एक तरह लोग छाँव की यहाँ पे डिमांड करते हैं, अच्छे पानी की यहाँ पे, बैठने की अच्छी व्यवस्था, और जैसे कैंटीन की विशेष डिमांड करें कि यहाँ पे कैंटीन की डिमांड होनी चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था देख रहे आप जी। लगातार हर मिनट में आपको गाड़ी आती और जाती आपको दिखाई दे रही है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग, आपको संडे के दिन तो खूब भीड़ होती है।
तो दोस्तों यहाँ के जो लोग आए उनका ओपिनियन जाना, किस प्रकार की ओपिनियन उनका यहाँ पे। आप भी अगर हर्ष आए हैं, हर्ष की व्यवस्थाओं को देखा है, तो आपको क्या लगता है हर्ष पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एक विशेष बजट हर्ष के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देखा जाए तो आसपास के जिलों का एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है, मंदिर भी है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अच्छा खासा बजट गवर्नमेंट को यहाँ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।